कानपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टैनी चिड़िया के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी अपने छोटे से आंगन में सब्जी उगाती और उन्हें शहर में बेचती थी। इससे जो आमदनी होती थी उससे वो अपने घर का खर्च चलाया करती थी। एक दिन सुबह सुबह टूनी चिड़िया के घर मुखिया लाला सेठ आता है। टूनी, अरे ओ टूनी, दो दिनों बाद मेरी बिटिया की सगाई है, जरा मेरे घर आलू और गोभी भी पहुँचा देना। ठीक है मुखिया जी, लेकिन आप पैसे एडवांस दे देते तो बहुत अच्छा होता। क्या कहा तूने? तू जानती नहीं मैं इस जंगल का मुखिया हूँ, और मुखिया से तू पैसे मांग रही है? तेरी इतनी हिम्मत? अभी मैं तेरा हिसाब किताब देखने बैठ जाऊँ, तेरा घर है ना, वो भी नहीं बचेगा। गलती हो गई मुखिया जी, समय पर आपके घर सब्जी पहुँचा दूंगी। मुखिया के चले जाने के बाद टैनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, ये क्या है माँ, तुम उस मुखिया से डर गई? एक तो सब्जी के पैसे नहीं देता, ऊपर से हक जमाता है। जाने दे बिटिया, कुछ मत बोल, वो तेरे पापा ने कुछ पैसे इससे उधार लिए थे। हमारे पास कभी इतने पैसे हुए ही नहीं कि हम मुखिया का कर्ज चुका सके। इन अमीर पक्षियों के मुंह लगना ज्यादा ठीक नहीं है बेटा, सोच रही हूँ कि सब्जी का धंधा ही बंद कर दूं। आप ऐसा क्यों कह रही हो माँ? अगर हम लोग सब्जी नहीं उगाएंगे और उन्हें नहीं बेचेंगे तो घर कैसे चलेगा? तो क्या करूं बेटा, मुझे कोई दूसरा उपाय भी नहीं सूझ रहा है। इन सब बातों को छोड़ अब चलकर सब्जियों को तोड़ते और बाजार में बेचने चलते हैं। दोनों माँ बेटी सब्जी को तोड़कर बाजार बेचने चली जाती हैं। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब टूनी चिड़िया सब्जी बेच रही थी तभी फैंसी कबूतरी उनके पास आती है। क्यों टूनी बहन, तुम्हारा सब्जियों का धंधा कैसा चल रहा है? ये देखो मैं कुछ नए सब्जियों के बीज लेकर आई हूँ। एक बार अगर तुम इन बीजों को अपनी बगिया में लगा दोगी तो आमदनी दुगनी हो जाएगी। लेकिन ये बीज थोड़े महंगे हैं। नहीं फैंसी कबूतरी, मुझे ये सब्जी के बीज नहीं चाहिए, अब मैं सब्जी उगाना ही नहीं चाहती। क्या तुम्हारे पास फलों के भी बीज हैं? हाँ हाँ टूनी बहन, मेरे पास फलों के भी काफी बीज हैं। ये देखो, ये लीची के बीज हैं, ये अंगूर के बीज हैं, और ये बेर के बीज हैं। बोलो कौन से दे दूँ? फैंसी बहन, आप हमें बेर के बीज दे दीजिए, अब से हम लोग बेर की खेती करेंगे। हाँ टूनी चुड़िया, ये ले बेर के बीज, ये नए किस्म के बेर के बीज हैं। जल्दी ही इसके पेड़ बड़े हो जाते हैं और तो और हर मौसम में इस पर अच्छे बेर आते हैं। टूनी चिड़िया फैंसी कबूतरी से बेर के बीज खरीद लेती है। माँ आपने ये बहुत अच्छा किया, आपने बेर के बीज लिए। माँ तुम्हें पता है बेर पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है और इसका बीज भी दवा के रूप में काम आता है। टैनी चिड़िया तू आंगन से सारे फूलों के पौधे दे और उनमें बेर के बीज बिखेर दे। टैनी चिड़िया आंगन में बेर के बीज को बिखेर देती है। दोनों माँ बेटी अच्छी देखभाल करने लगती है। कुछ ही दिनों में पेड़ पर बेर लग जाते हैं। हरे हरे बेर देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। माँ जल्दी से टोकरी लेकर आओ, हम दोनों इन बेर के फलों को तोड़कर आज बाजार में बेचेंगे। दोनों माँ बेटी बेर के फल को तोड़ती हैं और उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले जाती हैं। बेर ले लो, मीठे मीठे बेर ले लो। टैनी सभी को बेर देती है। अरे वाह, ये बेर तो बड़े स्वादिष्ट हैं। ऐसा करो तुम मुझे 1 किलो बेर तोल कर दे दो। चिड़िया उस पक्षी को बेर देती है और इस तरह दोनों माँ बेटी बेर बेचकर अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं।